गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेलियम स्कूल एंड कॉलेज। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्लास ऑफ सेकेंड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ आवर होम। ठीक है, तो आप बुक के पेज नंबर 15 ओपन करिए। पेज नंबर 15, बुक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। Mountains.
सी वाटर इज सॉल्टी, समुद्र का पानी नमकीन होता है. दिस इज राइट. क्वेश्चन नंबर 5. लेग्स एंड हील्स आर मैग्नेटिक थिंग्स. लेग्स एंड हील्स आर मैग्नेटिक थिंग्स. जो हाई हील्स है, हाई हील्स है वो, और लेग, ये दोनों मैग्नेट थिंग है या नेचुरल थिंग है? इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं या ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं? ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए, कोई मैग्नेट थिंग नहीं है. सो दैट इज रॉन्ग. नाउ लेट्स फेस ओपन नेक्स्ट फेस, पेज नंबर 16. राइट एम फॉर द थिंग्स व्हिच आर मैग्नेट थिंग्स व्हिच आर एंड एन फॉर द थिंग्स व्हिच आर नेचुरल. यहाँ पर हमें क्या करना है? राइट एम फॉर मैग्नेट थिंग्स व्हिच आर मैग्नेट एंड एन फॉर द थिंग्स व्हिच आर नेचुरल. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके बुक में दिए हैं, उस पिक्चर को आपको देखना है और उसके ऊपर एक सर्किल बनाया गया है और उसमें एरो भी दिया गया है. उस एरो को देख के ही शो करना है, शो किया जा रहा है कि वो चीज़ क्या है, वो नेचुरल है या मैनमेड. अगर वो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं तो वहाँ पे आपको मैनमेड थिंग्स मीन्स एम लिखना है. अगर वहाँ पे नेचुरल थिंग्स है तो वहाँ पे आपको एन लिखना है. ठीक है, तो पहले चलिए ऊपर के पिक्चर्स देखें. ये देखिए ये आपके बुक के पिक्चर्स है ना. आप सबसे ऊपर जो गोला बना है उसके नीचे एरो बना है. इस एरो को देखिए कि क्या शो कर रहा है, किस चीज को दिखा रहा है. यहाँ पीछे घर, यहाँ घर दिख रहा है और घर के पीछे क्या है? हील से, है ना. तो हील आर नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग? नेचुरल थिंग. तो देखिए मैंने यहाँ पे एन लिखा है, क्या है? नेचुरल थिंग. देन नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्लांट दिखा रहा है ना, ये प्लांट है, प्लांट को शो कर रहा है. तो प्लांट क्या है? नेचुरल या मैनमेड? नेचुरल. तो यहाँ पे मैंने नेचुरल लिखा है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिए ऊपर से तीसरा जो एरो बना है वो किस चीज को शो कर रहा है? स्काई. तो स्काई आर द नेचुरल थिंग और मैनमेड? दिस इज द नेचुरल थिंग. तो यू हैव टू राइट हियर एन. ठीक, द नेक्स्ट लास्ट वन, लास्ट में क्या दिखा रहा है? देखिए ये पिक्चर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे एक हाउस है, तो यहाँ पे एक घर को शो कर रहा है. तो हाउस क्या है? मैनमेड थिंग या नेचुरल थिंग? ऑब्वियसली ये मैनमेड थिंग, क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं. तो यहाँ पे हाउस को हमने मैनमेड थिंग लिखा है. ठीक, अब नीचे की लाइन में आइए. नीचे देखिए, नीचे की जो नीचे भी चार एरो बना हुआ है, इस एरो को देखिए. फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रोड. ये एरो रोड को शो कर रहा है. तो रोड कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं. तो दिस इज मैनमेड थिंग. तो वी हैव टू राइट हियर एम. देन नेक्स्ट सेकंड वन, ये किस चीज को शो कर रहा है? पॉन्ड, है ना, ये पॉन्ड को शो कर रहा है. तो पॉन्ड इज ए नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग? दिस इज ए नेचुरल थिंग. तो वी हैव टू राइट हियर एन. देन नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, ये क्या शो कर रहा है? थर्ड वन, ग्रास. ये ग्रास को शो कर रहा है. तो ग्रास इज ए नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग? दिस इज अ नेचुरल थिंग. तो यू हैव टू राइट एन. तो थर्ड वन भी एन, नेचुरल. नेक्स्ट लास्ट वन, लास्ट यहाँ पे पिक्चर आपके एक छोटा सा लैंड बना हुआ है, उस लैंड को शो कर रहा है ना. तो ये लैंड क्या है? ये मैनमेड थिंग है. हम ही लोग इसको बनाते हैं, नेचुरल थिंग नहीं है, ये मैनमेड थिंग है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन. यू हैव टू